अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले हफ्ते की खुशखबरियाँ अगर मिक्स कर दी जाएं तो यहाँ से आपका इनकलाबी दौर शुरू है जेमिनाइज। अगर आप इस इनकलाबी दौर में अपने मकासद को हासिल करना चाहें तो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर फुली आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि आपका गोल्डन टाइम शुरू है। ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हों या लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हों, सारे के सारे आपके लिए फेवरेबल हैं। दो सिर्फ कमजोरियां हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उसने भी पहली जनवरी को डायरेक्ट हो जाना है, मरकरी भी ने भी डायरेक्ट हो जाना है, बाकी छः आपके साथ ऑन है। अभी वन बाई वन बयान करता हूँ। मार्स आपके सेवन्थ एंगल पर है, वीनस आपके सेवन्थ एंगल पर है, इन दोनों की ताकत, इन दोनों का फ्यूल, इन दोनों की फेवर, इन दोनों का अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए नेमत की तरह आपको सपोर्ट करना आपकी रिश्तेदारी के मामलात को गैर मामूली हदों तक प्लेजेंट कर देगा। ऐसी बहन बेटियां जो रिश्तेदारी के मामलात में उलझी हुई हैं, चाहे शादी हो गई है और चल नहीं रही ड्यू टू सम रीज़न, दिलों से दिल नहीं मिल रहे, ज़हनी हम आहंगी नहीं है, खैर और बरकत नहीं है, इत्तफाक नहीं है, उम्मीद ये है कि 27th ऑफ दिसंबर से खैर और बरकत के झोंके आएंगे, तबीयतों में नरमी पैदा होगी, दिलों में कुशादगी पैदा होगी, ज़हनी हमाहंगी आगे बढ़ेगी, इससे नाराज़गियाँ दूर होंगी। ये एक पहलू है। जो रिलेशनशिप एवरेज लेवल पर हैं वो आइडियल लेवल पर आएंगे, हेवन लेवल्स को टच करेंगे, ये उसका दूसरा पहलू है। जो अभी रिश्तेदारी के मामलात अभी अखज़ ही नहीं कर सके, अभी उनकी रिश्तेदारी शुरू ही नहीं हुई, शादियों के लिए प्रपोज़ल नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है या इरादों में ही कमी है, तो उम्मीद ये है कि मार्स और वीनस अपनी टॉप लेवल की फ्यूलिंग से आपकी रिलेशनशिप के मामलात को हल कर देगा। इसमें छोटे रिलेशंस जो सिर्फ कमिटमेंट लेवल के हैं, जो सिर्फ इजहार मोहब्बत के हैं, जो सिर्फ अभी मंगनी के हैं वो भी, और जो निकाह के लेवल पर पहुंच जाएंगे वो भी, दोनों एक्सपेक्टेड है। इस सीज़न में की गई शादियां जहां पर आप अपनी ह्यूमन एफर्ट से जितनी कामयाब करेंगे वो तो अपनी जगह, वो आपके अपनी सलाहियतें हैं, लेकिन उसमें तकरीबन 25-30% नेचुरल फ्यूल भी मिलेगा जिससे अट्रैक्शन वेल्डिंग या बाउंडिंग बढ़ेगी। आपके लिए फुल मून आपके सेकंड एंगल पर होगा, ये यूनिक है। ढाई दिनों तक के लिए आपके ऊपर जज्बाती कैफियत, फुल मूड्स, फुल स्विंग में होंगी, पैरेलल टू द नेचर, स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस के साथ, प्लानिंग एंड अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिट्स ऑल एक्सपेक्टेड। नए कारोबार के आगाज़ के लिए 27 तारीख बहुत अच्छी है, सफ़र करने के लिए 27 तारीख बहुत अच्छी है, 27 भी 28 भी, शादी के लिए 27 तारीख बहुत अच्छी है, किसी से कामयाबी के साथ अपनी बात मनवाने के लिए 27 और 28 तारीख बहुत अच्छी है, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए, अपने दलाइल पेश करने के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशंस पेश करने के लिए 27 और 28 तारीख दिसंबर की बहुत अच्छी है।